तो हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस, ये ब्लॉग दिस इज अ बेस्ड ऑन ट्रैवलिंग ब्लॉग, एक ट्रैवलिंग ब्लॉग है। मैंने ट्रैवल किया है, लगभग 5 घंटे ट्रैवल किया है। उसके बाद हम एक पुरातात्विक जगह पर पहुंचे थे, एक सन कुआ जिसका नाम है सन कुआ में हमने स्नान किए। वहाँ का मैं पूरा सीन विथाउट बॉयज़ के आपको दिखाना है। वहाँ पर बॉयज़ का कुछ नहीं है, ओनली ऑन सॉन्ग्स। मैंने बिल्कुल भी बॉयज़ ओवर नहीं डाल पाई, ना मैं बॉयज़ ओवर डालने वाला हूँ। पुरातात्विक जगहों की पूरी जानकारी, एक ऐसा कुआ जो बहुत गहरा और बहुत बड़ा, अगर आप देखना चाहते हैं तो ब्लॉग के आखिरी तक बने रहना। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल गाइस आ चुके हैं बाथिंग करने, मतलब स्नान करने के लिए सन कुआ जैसी पवित्र नदी, सिंध नदी में जो है हम स्नान करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है स्नान करने के लिए आते हैं। अगर आप भी स्नान करने के इच्छुक हैं और अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं तो गाइज़ अभी मैंने जो है नहा लिया है सन कुआ की जो सिंध नदी है उसके अंदर। काफ़ी वहाँ पर देख सकते हैं दूरियों में जो है सन कुआ है, अभी हम उसके पास जाने वाले हैं। तो गाइज़ अभी हम उसके पास जाएंगे, तो चलो गाइज़ उसके हम पास चलते हैं। तो गाइज़ आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जो है कितनी सौंदर्य, मतलब झरना है, और यहाँ पर यही सन कुआ है। इसमें अगर आप आना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं, बोट भी रखी हुई है। ये है इस प्रकार का सन कुआ का सीन। तो यहाँ पर देख सकते हैं पत्थरों की शिलाएं बनी हुई हैं, कितनी सफाई है। यहाँ पर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सन कुआ का जो क्रेज है लोगों में कितना ज़्यादा है। ये इतना गहरा है कि इसमें मतलब कोई भी डूब सकता है। कैमरा क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो गई है गाइस, एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर थोड़ा मतलब थोड़ा सा कचरा पड़ा हुआ है, पर कई भी लग गई है, लेकिन जो है ये सिंध नदी का शुद्ध पानी है। तो अभी हम सन कुएं के जो है बगीचे में पहुँच चुके हैं। यहाँ का जो है पूरा सीन बगीचे का हम आपको दिखा, कितना सुंदर बगीचा है। और थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, और मेरे पापा से मैंने पानी लिया है। देख सकते हैं यहाँ से मतलब,
गाइस यहाँ से हम पूरा जो है सन कुआ का सीन आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में दिखाने वाले हैं। तो गाइस अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस चलिए एंजॉय कीजिए वीडियो को और पुरातत्व के महत्व की चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर छोटा सा जहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर कई लोग स्नान कर रहे हैं। आपको सामने हजारों की संख्या में लोग स्नान करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। चलो हम दूसरी तरफ जाके आपको दिखा देते हैं। ये हमने जंप लगाया और हम जो है अभी हम लोग उतरने वाले हैं नीचे। तो गाइस आप लोगों ने देख ही लिया होगा वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य और जो झरना बह रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है अभ्यास की होंगी इस वीडियो में। तो इस ब्लॉग को आप क्या करना चाहेंगे, अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जो है लाइक कीजिएगा। आज का जो है ट्रैवलिंग ब्लॉग का एंड यहीं पर करते हैं। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट कोई अदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।